हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी घर में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, तरक्की कर रहे होंगे। आज की रीडिंग है कि आपके पार्टनर्स की वर्तमान भावनाएं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके मन में अभी क्या चल रहा है, उनके दिल में अभी क्या चल रहा है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं एंड उनका नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में क्या हो सकता है, आपके लिए डिवाइन की, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। डेफिनेटली अगर कुछ ब्लॉकेज मुझे नज़र आएगी तो मैं आपको गाइडेंस भी बताऊंगी, क्योंकि हर एक ब्लॉकेज का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, गाइडेंस होती है जिसको फॉलो करके उस ब्लॉकेज को रिमूव किया जा सकता है, उस नेगेटिविटी को हटाया जा सकता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये जनरल है, सभी साइंस के लिए है, तो आपको पाइल चूज नहीं करना। कलेक्टिव है तो ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट करे, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर रेजोनेट नहीं करती तो, बिकॉज मैं अक्सर ऐसी रीडिंग्स लाती रहती हूँ, ये नहीं तो कोई और रेजोनेट कर जाएगी। एंड ये सभी जेंडर्स के लिए है, सभी रिलीजन के लिए है, सभी कास्ट के लिए है, ये सभी ह्यूमंस के लिए है। ओके, हमारी जो फैमिली है वो ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस को फॉलो करती है, तो ये सभी लोगों के लिए है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं कि प्रेजेंट में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओम साई राम। तो हमारा कार्ड आया है प्रेजेंट का, सोरो का, जो कि मुझे ये बताता है कि आपके पार्टनर्स आपके बिना बहुत उदास हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, मायूस फील कर रहे हैं। देखिए ये पर्सन कैसे बैठा है, जिसका मन कहीं पर भी नहीं लग रहा है, इसको कोई सहारा चाहिए, वो सहारा भी नहीं मिल रहा है। ये अपनी बात किसी को बताना चाहते हैं, वो कह भी नहीं पा रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, आप हो सकते हो, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। वैसे तो ये रीडिंग सभी जोडियक्स के लिए है, बट स्टिल अगर मुझे कुछ दिख रहा है जो प्रोमिनेंट है तो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट कंट्रोल का कार्ड है, ये अपनी जर्नी को, अपनी लव लाइफ को, आपके साथ रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो ये कह रहे हैं या फिर जो ये नहीं कह पा रहे हैं, आप सब चीज़ें समझो, इनका ट्रस्ट करो, इन पर बिलीव करो एंड जो ये चाहते हैं उन थिंग्स को उनके अकॉर्डिंग करो। तो ये पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उदास हैं, मायूस हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि जिसमें ये पर्सन आपके बिना रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं, मर मर के ज़िंदगी बिता रहे हैं। आप में से कई लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट जोन में हो सकते हो, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप ही ने इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हो। फाइटिंग। देखिए गाइस, मुझे लग रहा है कि हाल फिलहाल में, कुछ डेज पहले, कुछ मंथ्स पहले, या फिर अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, फ्यू आवर्स पहले या फिर फ्यू डेज पहले आप लोगों की फाइटिंग हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है। इनका कंट्रोलिंग नेचर, इनका ईगोइस्टिक नेचर, इनका खुद को हमेशा प्रायोरिटी देना, इनका आपको ना समझना, आपकी फीलिंग्स को ना समझना, आपको हर्ट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। हाल फिलहाल में आप लोगों की फ़ाइट हुई है। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपने ही इन्हें ब्लॉक करा है या एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है या फिर एक पोज लिया है, जिसकी वजह से ये पर्सन के मन में एक घमासान युद्ध छिड़ा है, स्ट्रगल छिड़ा है। लग रहा है इनको कि जैसे ज़मीन इनके पैरों के नीचे से खिसक गई है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अपने मन पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गुस्से को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके लिए तड़प रहे हैं, आपके लिए परेशान हैं, आपके लिए वरिड हैं एंड ये आपको एट एनी कॉस्ट खोना नहीं चाहते। ये आपको क्या कहना चाहते हैं हम वो चेक करते हैं। तो ये आपको कहना चाहते हैं स्लोइंग डाउन, ये आपको कहना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इस रिश्ते में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये लगातार एफर्ट्स लगा रहे हैं। इनके एफर्ट्स स्लो हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी इन्होंने बिल्कुल पोज लिया है या बिल्कुल ये बिना चिंता किए बैठे हैं। तो ये एवरेज टाइम इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स लगाते हैं। हाँ, वो एफर्ट्स हो सकता है बहुत ज़्यादा स्लो हो, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, परेशान हो गए हो, नेगेटिव हो गए हो, आप दोनों में लड़ाई हुई हो, आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया हो एंड जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है।
तो ये आपको कहना चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट रखें, इन पे बिलीव रखें, डेफिनेटली ये आएंगे, रिकनसाइल करेंगे, आपको एक नई उम्मीद देंगे, आपको एक नई राह देंगे। गाइडेंस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये आपको समझाएंगे कि ये क्या चाहते हैं एंड क्या कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आप इनको समझोगे एंड ये रिश्ता फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको कहना चाहते हैं कि आप सब्र रखें, पेशेंस रखें, इनको समझें, ये आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे, आपके सारे डाउट्स एंड सारी जो भी नेगेटिविटी है या जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही है उनके आंसर्स देंगे, एंड देन डेफिनेटली इस रिश्ते में ग्रोथ होगी। ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इनका फाइनेंस, इनका कैरियर अभी स्टेबल नहीं है, काफ़ी स्लो चल रहा है या फिर रुका हुआ है, जिसकी वजह से ये एकदम से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा वक्त चाहिए, तो प्लीज़ आप इनको समझने की कोशिश करें। ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं एंड ये इनके मैसेजेस हैं। अब हम चेक करते हैं कि इनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं। ओम साई राम, इनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, लेट्स वी चेक। इनकी हिडन फीलिंग्स के लिए हमारा कार्ड आया है राइपनेस का। ये पर्सन जो है ना, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये पर्सन अबंडेंट होना चाहते हैं, कैरियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, देन इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सेकंड थिंग मैं ये देख पा रही हूँ कि ये आपको अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल एंड वेल सेटल्ड पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं। ये समझते हैं कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर चुके हैं, चाहे आप बॉय हैं, चाहे आप गर्ल हैं, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, आप सब कुछ हासिल कर चुके हैं एंड अब आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मैरिज रह गई है। लेकिन इन्हें लगता है कि अभी ये सक्सेसफुल नहीं है एंड इनको सक्सेसफुल होने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं एंड ये भी समझते हैं कि आपको हमेशा इंतज़ार रहता है इनके कमिटमेंट का, इनके कन्फेशन का, इनके मैरिज के प्रपोज़ल का, और आप काफ़ी टाइम से इनके लिए वेट कर रहे हो। इनकी हिडन फीलिंग्स ये है कि ये आपको काफ़ी पसंद करते हैं, आप इनको काफ़ी स्टेबल लगते हो, ये आपके जितना नहीं तो एटलीस्ट इतना सेटल होना चाहते हैं कि जहाँ इनको लगे कि हाँ ये भी कुछ कर पा रहे हैं, एंड ये आपको परफेक्टली फाइन लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। अब हम चेक करते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, देन हम चेक करेंगे कि डिवाइन की गाइडेंस क्या होगी। नेक्स्ट मूव के लिए गिल्ट का कार्ड है और एक और कार्ड है अबंडेंस का। मैं ये देख पा रही हूँ कि जो अब आपने इनको ब्लॉक किया है या एक डिस्टेंस मेंटेन किया है, एक पोज किया है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, इनके क्वेश्चंस के रिप्लाईज नहीं दे रहे हो, इनके कैजुअल मैसेजेस को नज़रअंदाज कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो इसकी वजह से ये पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, सर पकड़ के जैसे बैठ गए हैं ये पर्सन, और उनको लगता है कि लाइक ये आपको किसी भी कॉस्ट पर खोना नहीं चाहते, और ऐसा ना हो कि अगर ये मनी मेकिंग माइंड पे लगे रहे और अपनी मनी मेकिंग जो क्राइटेरिया है कि हाँ लाइफ में कैरियर वाइज ये अचीव करना है उसके पीछे भागते रहे, तो ऐसा ना हो कि ये आपको खो दें। एंड इनको अब गिल्ट का कार्ड ये बताता है कि नेक्स्ट एक्शन में इनको ये समझ में आने वाला है कि अगर अब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, इस कनेक्शन को इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो अब तक जो इन्होंने गलतियाँ की हैं इनको वन बाय वन उनको सुधारना होगा, आपके लिए अवेलेबल होना होगा, आपके लिए टाइम निकालना होगा, आपको कन्फेस करना होगा, आपके लिए सब कुछ करना होगा जिन चीज़ों से ये भाग रहे थे। तो अपनी गलतियों को ये समझ पा रहे हैं कि कैरियर के पीछे भागना या कैरियर को हासिल करना कोई कमी नहीं है, लेकिन जो ये लगातार आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, आपको कन्फेशन नहीं दे रहे, कमिटमेंट नहीं दे रहे, एटलीस्ट आपसे रोका नहीं कर रहे, एंगेजमेंट नहीं कर रहे, किसी भी तरह से आपको हर तरीके से लटकाया रख हुआ है, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन पर ये पर्सन खड़े नहीं उतर रहे, तो इस पर्सन को अपनी गलतियों का, अपनी मिस्टेक्स का रियलाइजेशन होने वाला है। एंड इन पर्सन को लगने वाला है अबंडेंस का कार्ड, जो कि मुझे ये बताता है कि डेफिनेटली विथ टाइम इन फ्यूचर अबंडेंस कहीं नहीं जा रही है, आप दोनों साथ होगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, अबंडेंस आनी ही आनी है, और कैरियर कोई ऐसा मैटर नहीं है कि जो लाइफ लॉन्ग सोल्व नहीं हो सकता। ये समझ पा रहे हैं कि अगर इस टाइम इन्होंने आपको खो दिया
तो ये आपके साथ कभी भी दोबारा नहीं कनेक्ट हो पाएंगे और ये आपको किसी भी कोस्ट पर खोना नहीं चाहते। तो ये पर्सन अपना सर पकड़कर बैठेंगे और चिल्लाएंगे कि नहीं, अब मुझे सुधरना है, मुझे इस रिश्ते में अवेलेबल होना है, सब कुछ देना है जो आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो। एंड आपको क्या करना चाहिए? वैसे तो आप ऑलरेडी कम बात कर रहे हो, कई लोग ब्लॉक करके बैठे हैं, कई लोग पोज कर लेके बैठे हैं, बट अगर हम चेक करें आपको क्या करना चाहिए, तो कार्ड है ऑर्डिनरीनेस। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड मुझे ये बताता है कि डेफिनेटली आपको कुछ टाइम के लिए इनका वेट करना चाहिए, और अगर ये कुछ नहीं कर पाते तभी आप कोई डिसीज़न लेना मूव ऑन होने का या फिर कुछ भी करने का, क्योंकि ये पर्सन को गिल्ट है, पछतावा है। डेफिनेटली ये कोई ना कोई सॉलिड एक्शन आपके लिए लेंगे। अबंडेंस का कार्ड किंग का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की बहुत एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। हो सकता है एक अर्थ साइन हो, एक एयर साइन हो, या फिर आप दोनों अर्थ साइन हो, या फिर आप दोनों एयर साइन हो। तो ये पर्सन आपको मिलने आएंगे, आपके पास रिश्ता लेकर आएंगे, प्रपोज़ल लेकर आएंगे, इसकी अच्छी पॉसिबिलिटी है। आपको अपना किंग या आपको अपनी क्वीन बनाएंगे, इसकी भी अच्छी पॉसिबिलिटी है। थिंग्स को बैलेंस करेंगे, रिश्ता फाइनल करेंगे, आपसे मैरिज करेंगे, इसकी भी अच्छी पॉसिबिलिटी है। आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना चाहिए एंड डेफिनेटली एकदम से आप मूव ऑन तो कर नहीं पाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इमोशनली इनसे कनेक्टेड हैं, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज कार्ड्स पॉजिटिव हैं। तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, रिश्ते की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी कमियों को सुधार रहे हैं, सब कुछ वेल बैलेंस हो रहा है आगे आपके लाइफ में। आपको क्या करना है? आपको अकेले ही हैप्पी रहना सीखना है, इनके टेक्स्ट मैसेज कॉल के बिना ही खुद की लाइफ में ऑक्यूपाई रहना सीखना है, खुद के साथ खुश रहना सीखना है, खुद के साथ लाइफ को एंजॉय करना सीखना है, लाइफ में कैरियर में कंटिन्यूसली आगे बढ़ना सीखना है। और कोई भी लाइफ का एस्पेक्ट हो, हर एस्पेक्ट में अगर कोई रिश्ता आपको अच्छा मिल रहा है उसमें भी आप डेफिनेटली, मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम से दो दिन के अंदर अंदर वेडिंग कर लो, लेकिन किसी को जानने समझने में फ्यू टाइम्स देने या फ्यू डेज देने में कोई हर्ट बुराई नहीं है। इन फ्यूचर डेफिनेटली अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप वेडिंग कर सकते हो, अदरवाइज आपको टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा ऑक्यूपाई रहने का, हील होने का, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने का, जो कि आप ऑलरेडी कोशिश कर रहे हो। मीनवाइल ये पर्सन भी आपकी तरफ आ जाएंगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोगों का लव मुझे यहाँ पे सच्चा वाला लग रहा है और डेफिनेटली इस पर्सन को आना है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हो, जिसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। कमेंट बॉक्स में जो अपने नंबर्स देते हैं, ईमेल आईडीज़ देते हैं, वो सभी फेक पीपल हैं, तो प्लीज़ उनसे बचिए। हम लोग किसी को भी कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, किसी को कुछ भी पर्सनल डिटेल नहीं सेंड करते। पर्सनल डिटेल सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कि व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप पर सेशन बुक करवा सकते हैं एंड देन प्रोसीड कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। टेक केयर।